दोस्तों आप देख सकते हैं पहलगाम जाते हुए हमें जिस चीज़ का इंतज़ार था और कश्मीर भी आके जिस चीज़ का हमें इंतज़ार था, काफ़ी लगता था कि दोस्तों हमें चलना है, हम सेब की खेती देखेंगे, सेब के पेड़ देखेंगे, सेब जो हम अपने घरों में खाते हैं वो कैसे होते हैं उस पेड़ को देखेंगे। आप देख सकते हैं जैसे दोस्तों ये आपके सामने सेब का पेड़, दोस्तों इतने छोटे छोटे देखिए दोस्तों होते हैं, बहुत बड़े भी नहीं होते हैं, ये पेड़ आप देख सकते हैं इतने छोटे। देखिए दोस्तों हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए दोस्तों ये रहा दोस्तों सेब का पेड़, ये आप देख रहे हैं ये गुच्छे लगे हुए हैं, ये सारे सेब के पेड़ हैं। और कश्मीर के सेब जैसा कि बहुत फेमस होते हैं दोस्तों, और आपको मैं दिखाऊं ये पूरा आप देखिए पूरा बाग है दोस्तों। और आप पहलगाम जब आएं तो अभी हम जूस की शॉप आपको दिखाते हैं ले चल के, कहाँ पर हम जूस भी पी रहे हैं, एप्पल का जो जूस होता है दोस्तों वो पिलाया जाता है, बहुत ही टेस्टी होता है दोस्तों। एक बार अगर आप पियेंगे जूस को तो आप दोस्तों बार बार पियेंगे। आइए मैं उस दुकान को दिखाता हूँ। और फाइनली दोस्तों आप देख सकते हैं ये श्रीनगर से श्रीनगर की सड़कें, और टूरिस्ट इसी सड़कों से आ जा रहे हैं। आप देख सकते हैं जैसा कि ये पहलगाम जाया जाता है, और यहीं पर दोस्तों रास्ते में ही एक शॉप हमें मिली, हम आपको दिखाते हैं। जब भी आप यहां आए दोस्तों एकदम मस्त ओरिजिनल जूस आपको मिल जाएगा एप्पल का, देख सकते हैं फार्म फ्रेश ऑर्गेनिक एप्पल प्रोडक्ट अवेलेबल हियर दोस्तों। देख सकते हैं एप्पल जूस, एप्पल जैम, पिकल्स, एप्पल सॉस, एप्पल चाट ETC, हर चीज दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर लगा हुआ है। और देखिए दोस्तों ये सड़कों पे आते जाते लोग, और फाइनली इधर देखिए दोस्तों बैठने की बहुत उचित व्यवस्था रहता है दोस्तों, पिकनिक की तरह आप यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। देखिए एक छतरी लगा के यहाँ पर नीचे चेयर रखा होता है, यहीं पर बैठ के आपको जूस पिलाते हैं। जस्ट यहाँ पर आप सेब का पेड़ देख सकते हैं एप्पल दोस्तों, ये पूरा बाग दोस्तों आप देख सकते हैं एप्पल का ही है। और ये रहा जूस की शॉप, आइए हम आपको बैक कैमरे पे ले चलते हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि दोस्तों हमारी ये गाड़ी है, इसी से हम पूरा कश्मीर घूम रहे हैं दोस्तों। हमारे लगेज बैग भी देख सकते हैं ऊपर। देखिए दोस्तों ये शॉप रही, आप जब भी यहाँ आए फार्म फ्रेश नाम से देख सकते हैं, ऑर्गेनिक एप्पल प्रोडक्ट का यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, एकदम ओरिजिनल दोस्तों एप्पल देख सकते हैं किस तरह से। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ एप्पल कैसे डालते हैं दोस्तों, कैसे इसका जूस बनाया जाता है। आपके सामने देखिए दोस्तों एप्पल डालें और ये एप्पल का जूस निकाला जा रहा है, ये देखिए दोस्तों, और बहुत ही सुंदर शॉप है दोस्तों। और भी चीजें हम आपको दिखाते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एप्पल है और नाम है फार्म फ्रेश, देख सकते हैं जाहिद भाई है ये हमें जूस पिलाए। देखिए आप दोस्तों ये एप्पल जूस है, हम आइए कुछ जानकारियां लेते हैं जाहिद भाई से दोस्तों यहाँ के बारे में। तो जाहिद भाई बताइए यहाँ पर क्या क्या उपलब्ध होती हैं चीजें? हमारे पास ये होम मेड प्रोडक्ट्स है, एप्पल मुरब्बा है, गार्लिक चटनी है कश्मीरी, एप्पल चटनी है, एप्पल जैम है, एप्पल सॉस है, और ये मलबरी जैम है, चेरी जैम है, और भी बहुत प्रोडक्ट्स है। और जाहिद भाई ये एप्पल कब तैयार हो जाते हैं बगीचे में? वाला ब्रांड आएगा, हार्वेस्ट होगा इसका 15 अगस्त से, ये इटली का ब्रांड है। दोस्तों जैसा कि इटली के ब्रांड का सेब है, जहाँ ये यहाँ का ब्रांड है वो आएगा एंडिंग सितंबर अक्टूबर में। जी जी, इससे पहले एक मंथ आता है। जी जी, और देख सकते हैं ये सारे दोस्तों आपके सामने लगे हैं, आप देखिए यहाँ पर आपसे बगीचे की चेरी है और सस्ते में ये बेचते हैं 100 रुपए में एक डब्बा। हाँ, तो दोस्तों आप देख सकते हैं चेरी का यहाँ ये पेड़ बहुत होते हैं, तो 100 रुपए का एक डिब्बा वो काफी सस्ता भी होता है। और काफी कुछ चीज हम 300 काफी कुछ हम दोस्तों लिए हैं यहाँ से, एप्पल साफ मुरब्बा, और देखिए जूस फिलहाल दोस्तों हम जूस पीते हैं, जूस का एंजॉय करते हैं। कहते हैं बिना आज्ञा के पौधों से सेब और फूल तोड़ना वर्जित है, अधिनियम में शामिल व्यक्तियों पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर जुर्माना है उर्दू में भी देखिए दोस्तों लिखा हुआ है, और में भी क्योंकि अगर फायदा होगा इस वक्त तोड़ना तो ये फायदा नहीं, अगर हार्वेस्ट होगा तो तोड़ने दो उस वक्त। देख सकते हैं दोस्तों सारे सेब के पेड़, ये ग्रीन एप्पल है, ये ग्रीन एप्पल, और आप देख सकते हैं दोस्तों ये है। जड़वन एप्पल का नाम है दोस्तों, सब इटली के ब्रांड हैं दोस्तों ये। तो दोस्तों सेब के नाम होते हैं जीरो माइन दोस्तों, आप देख सकते हैं जावेद भाई हमारे साथ हैं, इन्हीं के साथ हम और भी जगह चल के देख रहे हैं कौन कौन सा, ये हमें बता रहे हैं हर सेब के बारे में। पूरा बाग है दोस्तों सेब का, ये देखिए दोस्तों, ये
बहुत ही सुंदर दोस्तों। ये दोस्तों आप देखिए, इस सेब का नाम है रेड ब्लॉक्स। आपसे पास से दिखाता हूँ, ये देखिए दोस्तों सेब, ये देखिए सुंदर सुंदर, ये आप ये एप्पल देख सकते हैं, ये सेब, ये और भी दोस्तों SS2 देखिए दोस्तों, इस सेब का नाम है SS2। हम तो केवल एप्पल ही जानते हैं कि सेब एक तरह का होता है, लेकिन इसमें कई वैरायटी होती है। ये है रेडलम गाला। गाला क्या नाम है जावेद भाई? रेडलम गाला दोस्तों इसका नाम है। देख सकते हैं पास से काफी हरा, ये देखिए दोस्तों ये वाला है, ये कश्मीर का सेब है, रेड दिलसस। ये कश्मीर का सेब है दोस्तों, आप देख सकते हैं रेड दिलसस, आप देख सकते हैं दोस्तों ये कश्मीरी सेब है। ये देखिए दोस्तों ये ब्रांड काफी तरह के दोस्तों, इनके पास वैरायटी है, आप देख सकते हैं पूरे एप्पल के दोस्तों खेती। ये देखिए दोस्तों कितना कुछ दिखाएं दोस्तों, बहुत सब खेत हैं दोस्तों। ये देखिए एप्पल के पेड़, पूरा बाग दोस्तों। ये इससे जो SS2 रेड माइन जीरो ब्लॉक, ये सब सेब महंगे होते हैं दोस्तों, और ये कश्मीर वाले सेब का रेट उतना नहीं होता है। ये सब बहुत महंगे ब्रांड है, इटली के ब्रांड है दोस्तों, आप देख सकते हैं दोस्तों। ये देखिए तो आप देख सकते हैं, ये जाहिद भाई ने हमको ये एप्पल तोड़ के दिया है, अपनी तरफ से गिफ्ट दिया है दोस्तों। बहुत ही अच्छे इंसान लगे दोस्तों, आप देख सकते हैं कि जैसे कि इस पेड़ से हमको तोड़ के दिया है जाहिद भाई ने, बहुत ही अच्छे लगे दोस्तों। और इसको साफ करके दोस्तों हम खाते हैं, बहुत ही कच्चा है दोस्तों, लेकिन फिर भी सोचे दर खा के देखते हैं कैसा लग रहा है दोस्तों। दोस्तों बहुत अच्छा लगा, काफ़ी मिठास भी है, लेकिन अभी थोड़ा और पक जाएंगे तो और अच्छा हो जाएगा दोस्तों। इसकी पत्ती देखिए दोस्तों, थोड़ा पास आके जाहिद भाई दिखाएं, ये देखिए इसकी पत्ती दोस्तों, ऐसे होते हैं छोटे छोटे सेब के।